ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमने एक फैन का कवर खोलने के लिए एक पुलर बनाया है, जिसकी मदद से हम फैन के कवर खोल सकते हैं। जिस तरह से हमारा कभी कभी फैन खोलते समय, सीलिंग फैन खोलते समय, हमारा कवर कभी नीचे के बैरिंग में फंसा रह जाता है, कभी हमारा ऊपर के बैरिंग में कवर हमारा फंसा रह जाता है। और अक्सर उसे निकालते समय कभी कभी क्या होता है, अब जो फैन आ रहे हैं वो बहुत ही हल्की प्लेट के आ रहे हैं, तो कभी कभी वो टूट जाते हैं कवर। तो उस नुकसान से बचने के लिए, प्लस अगर हमारे पास कोई पुराना पंखा आया और उसे हमें बैरिंग चेंज करने हैं उसके, हमें फिर हम उसमें हथौड़ी की मदद से ठोंकर जब उसे निकालते हैं तो हमारे पेपर भी उसके झड़ जाते हैं, उसके बाद उसमें करंट आने लगता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमने ये एक पुलर बनाया है। आज की वीडियो हम इसी का आपको चलाकर दिखाने वाले हैं, किस तरह से ये आप भी अपने घर पर अपनी दुकान के लिए बना सकते हैं, और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता रहती है, प्लस इसका काम किस तरह से ये करता है, किस तरह से आप बना सकते हैं, तो वही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, इसे खोलने के लिए हमें इस तरह का, अगर कोई फ़ैन हमने खोला और हमारा नीचे वाला ढक्कन में फंसा हुआ रह गया स्टेटर, तो इस तरह के स्टेटर को अगर हम यहाँ से रॉड डाल के, जो इसमें स्टेटर में होल है, यहाँ से रॉड डाल के अगर हम इसमें नीचे की तरफ चोट मारेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो बैरिंग का सीट होता है हमारा वो टूट जाता है, कवर वाला बैरिंग का सीट हमारा टूट जाता है, फिर हमें नुकसान, कस्टमर को हमें दूसरा फ़ैन कवर खरीद के मार्केट से जुगाड़ करके देना पड़ता है। तो इस समस्या से आप बचने के लिए इस तरह का पुलर आप अपनी दुकान के लिए बनवा सकते हैं। अगर आपके पास वेल्डिंग वगैरह मशीन है तो आप खुद भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए आपको इस तरह का, ये हमने जो बोल्ट लगाया है ये हमारा 10 इंची का बोल्ट है और 4 सूत इसका साइज़ है, और 4 सूत के इस तरह के आपको दो बोल्ट चाहिए यहाँ पर भी विद डबल नट के। ये आपके 4 सूत के बोल्ट हैं, टोटल ये 10 इंची लंबाई है, इसकी जो लंबाई है नट की ये 6 इंची है, 6 इंची दोनों नट की लंबाई है, 4 सूती तीनों का साइज़ है नट का। और आपको इस तरह का कोई भी एंगल आप अपनी मजबूती के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी एंगल की हमारी जो मोटाई चौड़ाई है वो 2 इंची चौड़ाई का इसका एंगल है, तो इसमें हमारा टोटल जो एंगल लगा है वो लगभग 7 फीट के समथिंग इसमें लगा हुआ है। तो आप अपने साइज़ ऊंचाई के हिसाब से उस तरह से आप बना सकते हैं किसी भी साइज़ का। तो चलिए, इसे हम चलाकर दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। अब पहले हम इसका, ये जो कवर आप फंसा हुआ देख रहे हैं नीचे की साइड में फंसा हुआ, इसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि नीचे की साइड में जब हमारा कवर फंसेगा तो हमें किस तरह से निकालना है। तो देखिए, नीचे की साइड का कवर आपको निकालने के लिए इस तरह से आपको पहले इस तरह से आपको लगाना है कवर को, ठीक है, इस तरह से आपको नीचे की साइड रखना है। इसे हम निकाल कर दिखाते हैं, देखिए इस तरह से आपको लगाना है, इस तरह से। इसे थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा इसमें आ जाए। अब यहाँ पर ये फंस गया, जॉइंट हमारा हो गया, अब इसे हमें नीचे की तरफ करना है। इस तरह से आप इसे घुमाकर नीचे की तरफ कर लें, अभी हमारा फंस गया। अब इसमें हमारा जो साफ्ट में होल होता है और इसी उसी तरह का होल हमारा यहाँ पर, देखिए आप ये होल है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें एक नट फंसा देना है इस तरह से, ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा नट लगा देते हैं इसका, बस ये हमारा इसमें लग गया। इस तरह से आपको फ़ैन को फंसाना है। अब इसे ऊपर की तरफ टाइट करना है, इसे इस तरह से आपको, जब ऊपर की तरफ इसे बोल्ट को टाइट करेंगे ये हमारा टाइट होगा। अब इसे यहाँ से आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे, इस तरह से हमारा स्टेटर का नीचे वाला कवर निकल जाएगा। अब हमें आपको ऊपर वाला कवर निकाल के दिखाते हैं कि अगर स्टेटर हमारा ऊपर वाली साइड में फंसता है तो उसे किस तरह से निकालते हैं। देखिए, ये स्टेटर हमारा ऊपर के कवर में फंसा हुआ है, देखिए यहाँ पर ही हमारा ऊपर के कवर में फंसा हुआ है। तो अब इसे हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से इसका सेटअप करना है आपको। अब इसे आपको थोड़ा ऊपर को कर लेना है, ऊपर की साइड इस तरह से घुमा के। अब आपको कवर को इस तरह से रखना है, यहाँ पर ये जो नट आप लोग देख रहे हैं इन पर आपको इस तरह से रखना है कि हमारा स्टेटर इनसे बच जाए। इस तरह से आप नाप के भी देख सकते हैं, इससे बचना चाहिए हमारा स्टेटर। इतना पीछे ना कर सकते हैं आप, इस तरह से ये हो गया पीछे। अब यहाँ पर इस तरह से हमें फ़ैन को रखना है, इसे थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा अभी। अब इसके सेंटर में हमें रखते हैं, अभी देखिए इसका सेंटर हमें रख दिया, आ गया हमारा। अब इसे नीचे की तरफ करते हैं, इस होल से हमारा ये वाला जो होल है हमारा, इस होल से इसे मिलाते हैं।
तब हमारा होल में देखिए इस तरह से हमारा ये मिल गया। अब इसमें हम उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पर नट फंसाया था, इस तरह से आपको नट डाल देना। अब इसे नीचे की तरफ टाइट ही करते चला जाना आपको, इस तरह से आपको अभी टाइट होने लगा, इस तरह से आपको टाइट करते चले जाना है। देखिए इतना नीचे चला गया हमारा। अब स्टेटर हमारा कवर ऊपर रह गया, स्टेटर हमारा नीचे निकल चुका है। ये देखिए आप, कवर हमारा अलग हो गया और स्टेटर हमारा अलग हो गया। तो इस तरह का आप पुलर बनाकर इस तरह के सीलिंग फैन के अगर आप बैरिंग चेंज करने के लिए भी खोलते हैं तब भी आपको हथौड़े से ठोकना पड़ता है, उस समय हमारे पेपर झड़ जाते हैं, तो उस समस्या से भी आप बच सकते हैं। प्लस आपके साथ एक भी समस्या और आती है कि यहाँ की जो सीट होती है, इधर से हम जब वैसे चोट मारते हैं तो यहाँ की सीट भी टूट जाती है कभी कभी, तो उस समस्या से भी आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी सी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।